अभी देखिए भाई, कोहरा लग चुका है और हम कोहरा के बीच में जा रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि सामने पहाड़ होगा। ठीक है, चारों तरफ कोहरा लग चुका है। जीजे भी आ रहे हैं आराम आराम से और पीछे से ताई जी। ताई जी बहुत थक रही है। दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं चार धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। और इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गए थे नीति वैली की, और वहाँ पे हमने कैंपिंग किया और बहुत मज़ा आया हम लोग को वहाँ पे। और आज करते हैं बद्रीनाथ का सफ़र। और हम मैं इस बार जा रहा हूँ दीलो के साथ, और अभी दीलो आ रहे हैं। मैं घर से निकल चुका हूँ। रास्ते में खाने के लिए लेज और स्प्राइट रख लिया थोड़ा गाड़ी में खाने के लिए। काफ़ी वेट करने के बाद दी लोग भी पहुँच चुके हैं, और अब चलते हैं आगे बद्रीनाथ धाम की ओर, और दिखाते हैं आप लोग को रास्ते में कुछ बढ़िया बढ़िया से नज़ारे। और जहाँ तक मेरे को लगता है ना कि चारों धामों में सबसे ख़तरनाक रोड है ना बद्रीनाथ का ही होगा। और पहले तो दो पहाड़ों के बीच से जा रहा है रोड, और फिर ऐसे चट्टान है कि बताएं क्या ही बताएं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। जय बद्री विशाल। भीड़ तो काफी मात्रा में लग रहा है इधर, भयंकर लंबी लाइन लग रही है गाड़ियों की। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, मतलब बड़े जीजा लोग, दीदी लोग। तो और एक साल में इतना चेंज हो गया ना बद्रीनाथ, क्या ही बताएं। पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ से सीधे जाते थे, लेकिन यहाँ से अब हमको थोड़ा आगे जाके लेफ्ट करना, राइट को करना पड़ेगा, राइट को कटना पड़ेगा माड़ा के, और माड़ा जाने के लिए। और पहले सीधे आगे जाते हैं। एक बड़ा सा बोर्ड था वहाँ पे, जय बद्री विशाल लिखा था उस पर, लेकिन अब वो नहीं है। और यहाँ से सीधा जाते थे, लेकिन यहाँ से हमको राइट कटना पड़ेगा माना के लिए। देखिए कितना चेंज हो गया है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां पे हमें आज स्टे करना है, बजट कैंप में। और यहाँ पे रहेंगे हम लोग आज। हमने कहा यार बहुत दूर आ गया हो गया। नमस्कार। हेलो। अरे अरे अरे, कैसे हो? बढ़िया। पहुंच चुके हैं कैंप में, और यहाँ रहेंगे आज हम लोग। मानस, कुंज और असित जी। बद्रीनाथ का रात का नज़ारा देखो भाई, व्यू बढ़िया सा। ना तुम मत जाओ, हम भी आएंगे। गाड़ी आती बेटा। आ मम्मी।
बिस्तर वीआईपी बिस्तर है, खतरनाक इतने मोटे मोटे कंबल थे कि मस्त गर्म हो गया। बाहर चलते हैं। ये देखो गुड मॉर्निंग करते हुए, ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मौसम देखो भाई क्या बड़ा सा। और यहाँ पे सुबह का चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे हम मंदिर की ओर। सब लोग लगभग रेडी होने वाले हैं। जय बद्री विशाल। इतना घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से लाइन लगना पड़ेगा। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ से पूरा मंदिर तक। और ये रहा सामने मंदिर। जय बद्री विशाल। उनकी भी लाइन होगी। इतनी भी खुशी बहुत चाहिए यार भाई। अगर मैं इतना जानता हूँ तो जानता है इधर। बहुत बड़ी मुश्किल से हुआ दर्शन भी। ऐसे मत करो, ऐसे 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 मत करो। अरे यार भीड़ हो रही है, सब कुछ हो रही है, बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलेंगे। ऐसे ऐसे मत करो। उनकी भी लाइन होगी। ये रहा बद्रीनाथ का बाहरी द्वार और ये अलकनंदा नदी के तट पर एक प्यारा सा लोकेशन पे बसा हुआ है। यहाँ भीड़ देखो भाई गजब की। श्रद्धालुओं की यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ देखी आप लोग। तो यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करेंगे और फिर निकलेंगे वसुधारा के लिए। ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो बढ़िया सा एक। अरे हो जाओ यार।
ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं और फोटो वोटो खिंचवा लिए हैं और अब चलते हैं आगे वसुधारा की ओर। आ जाओ जाओ जाओ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गांव में और यहां से जाएंगे हम वसुधारा। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं भीम पुल पे। और बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे माणा गांव पड़ता है और वहीं पे सरस्वती नदी बहती है और कहा जाता है कि माना जाता है कि सबसे पहले सरस्वती नदी यहीं पे प्रकट हुई थी और यहीं पे उनका जन्म स्थान भी कहा जाता है। और अब होता है हमारा वसुधारा का ट्रैक शुरू और देखते हैं कितने टाइम कितना समय लगता है हमको वहाँ पहुँचने में। और यहाँ का रास्ता ना पथरीला है पूरा और किनारों पे आपको घास घूस दिखेंगे। तो यहाँ पे थक गए सब लोग, तो बैठ के थोड़ा आराम करेंगे फिर निकलेंगे आगे की ओर। अभी तो लगभग हम 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। तो भाई लोकेशन गजब का है यहाँ पे। और ये ट्रैक माणा गांव से शुरू होता है, लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है ये और थोड़ा आफत भी आती है, लेकिन आराम से चलने से ना कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग चलेंगे आराम से। सब लोग का आफत आ गई है। और देखिए दीदी लोग भी झूमते झामते आ रहे हैं। और इस ट्रैक में ना आपको जून से अगस्त के दौरान भी तेज़ धूप वाले दिनों में भी ना मौसम हल्का ठंडा और हवा चलती रहेगी इधर, और कभी कभी तो धुंध सा कोहरा लगा होगा। और दोपहर के बाद यहाँ जैकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौसम फिर ठंडा हो जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। हे
और यहाँ पे ना आपको हर प्रकार के फूल दिखेंगे। और भाई इन्हें वादियों में देखिए कितने मज़े ले रहे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हमको यहाँ पे थोड़ा एक नदी दिखा, यहाँ पे हम लोग पानी पी सकते हैं। आप लोग पानी भर रहे हैं, तो फिर लगभग एक किलोमीटर और रह रखा है यहाँ से। अब दी लोग आ रहे हैं नीचे, तो अब तो आप पता नहीं लग गया खतरनाक वाला, और कोहरा भी लग गया है, चारों तरफ कोहरा कोहरा। और माणा गांव का ना इतिहास महाभारत से इसलिए जुड़ा हुआ है कि कहा जाता है कि यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। जय वसुधारा। अभी देखिए भाई कोहरा लग चुका है, हम कोहरा के बीच में जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि सामने पहाड़ होगा। देखिए चारों तरफ कोहरा लग चुका है, जीजे भी आ रहे हैं आराम आराम से, और पीछे से ताई जी। ताई जी बहुत थक रही है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वसुधारा, ये सामने देख सकते हैं आप लोग वाटरफॉल, लेकिन अभी बादल लगे हुए हैं ना, इस तरफ कम दिख रहे हैं। और यही है स्वर्ग जाने का रास्ता, इधर देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं, मतलब कितने तेज़ी से दौड़ रहे हैं। ताई जी बहुत थक रही है। यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कहाँ जन्नत में आ गए हैं। वाओ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाई वसुधारा में, तो अभी लोग आ रहे हैं, और ये रहा वाटरफॉल प्यारा है। और यहाँ पहुँचते ऐसा लग रहा है ना हमारा थकान पूरी गायब हो गई है, थकान लग नहीं रही, लग नहीं रहा कि दूर से आए हुए हम लोग। तो देखिए भाई यहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत से लोग, जो भी लोग ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ आते हैं ना, लोग पक्का यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो गजब का नज़ारे, लोकेशन देखो ना भाई। और ये यहाँ पे ग्लेशियर है, बहुत सारा बड़ा ग्लेशियर, इन पर दरारें भी आ रही हैं, और इसके सामने ही ना आप तो वसुधारा, तो इस पर जो इसके छींटे आते ना, बोलते हैं कि इस पर इसके छींटे आते हैं वो पाते नहीं होता है, और इसके छींटे तो हमें दूर से ही आ गए। यहाँ देखिए भाई इतना ज़्यादा ना बर्फ़ और ग्लेशियर जमा हुआ है, हमारा सोनू भाई लेके आए गए हैं। देखिए बर्फ़ इसकी बूंदे, देखिए कैसे आ रहे कैमरे पे। यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है भाई, देखिए जबरदस्त। खड़े जा जल्दी, भाई चेन बना के आ रहे हैं। अरे वाह। और यहाँ से हम वापस जाने लगे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीग चुके थे हम लोग, और अब वापस जा रहे हैं। और देखिए भाई वसुधारा झरना कितना ऊंचा है, लगभग होगा इसका करीबन ऊंचाई 400-500 फीट।
दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस, क्योंकि बारिश आ रही है बहुत खतरनाक वाली और बहुत ज़्यादा भीग भी चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं वापस जल्दी जल्दी, और फोन की बैटरी डेड 10% रह गया, मैं सब लोग लाइन लगे हैं पीछे। और अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही ना, सब लोग भागते भागते आ रहे हैं। ये चल रही पार्क में ताजी ताजी बहुत तेज चल रही है। खाते रहो जम के खाओ, तो पता चले कौन कितना खा रहा है।